राम मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ का बयान सामने आया। कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर सबका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर सबका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर के बनने की शुरुआत हुई, तब बीजेपी की सरकार थी तो इसे बनाना उनकी जिम्मेदारी थी। राम मंदिर पर सबका अधिकार है। मध्य प्रदेश में क्या अगले महीने से लाडली बहनों को 1,250 रुपए नहीं मिलेंगे? ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लाडली बहना योजना के बंद होने का अंदेशा व्यक्त किया। इसे लेकर उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर बकायदा ट्वीट कर मामा शिवराज से बहनों के लिए कुछ करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों की बातों का असर न होना कई बार चर्चा में रहता है। हाल ही में कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल पर अपना फोन न उठाने और व्हाट्सएप पर जवाब न देने को लेकर शिकायत करते हुए अपनी सख्त आपत्ति जताई है। अयोध्या स्थित निर्माणाधीन राम मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए जाने का काम जोरों पर है। इस बीच पहले सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई है। ये दरवाजा रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार है। जानकारी के मुताबिक अगले 3 दिनों में ऐसे 13 और दरवाजे लगेंगे। राम मंदिर में लगा ये पहला दरवाजा 1000 किलो के सोने की प्लेटिन का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 IPS अफसरों को ट्रांसफर के आदेश जारी किए। आगरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिधर सिंह को हटाया गया। जे रविंद्र गौड़ आगरा के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। डॉक्टर प्रीतिधर सिंह को DGP मुख्यालय संबंध किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होर्डिंग से फोटो हटाने वाले बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में उन्होंने कभी भी सरकारी विज्ञापनों में खुद का फोटो नहीं लगाने के लिए कहा था, ताकि कुर्सी जाने के बाद इतना अधिक गम ना रहे। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक राजन सालवी के परिवार के सदस्यों से अलीबाग स्थित ACB कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। राजन सालवी की भाभी चिकित्सकीय कारणों से पूछताछ से अनुपस्थित रहेंगी, इसलिए सालवी के भाई और भतीजे को पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। सालवी अपने परिवार के साथ पूछताछ के लिए ACB के सामने पेश होंगे। वहीं उनके साथ खुद राजन सालवी भी मौजूद रहेंगे। कुछ ही हफ्तों में वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024 का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री बजट 2024 से भारत में इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाने के लिए टैक्स बेनिफिट की लिमिट को बढ़ने की उम्मीद कर रही है। इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिलने वाला टैक्स डिस्काउंट इंश्योरेंस को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करता आ रहा है। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड के फेवरेट कपल्स में से एक हैं। बीते कुछ समय से दोनों के ब्रेकअप की अफवाहें आ रही है। अर्जुन और मलाइका के ब्रेकअप की खबरें जैसे ही सामने आई उसके बाद से फैंस परेशान हो गए थे। अब अर्जुन ने ब्रेकअप की खबरों पर विराम लगा दिया और उन्होंने अपनी लेडी लव के लिए अपना प्यार जाहिर किया है, वो भी खास अंदाज में। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बड़ा ऐलान कर दिया। शमी ने दावा किया कि वो इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने जा रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे। मोहम्मद शमी फिलहाल चोट से जूझ रहे हैं और इसी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनके खेलने पर सवाल उठ रहे थे।